कुछ लोग वे क्या कर रहे हैं उस पर इतना ध्यान देते हैं कि वे उनकी नैतिक आवश्यकताओं को नहीं जानते। मेरे व्यक्तित्व के समान बहुत से लोग वैसे हो सकते हैं। जब तक कि परमेश्वर उनसे व्यवहार न करे, मैं बहुत ध्यान देती थी। जैसे मेरी सेवकाई के आरंभिक वर्षों में मैं बहुत ध्यान देती थी कि मैं क्या कर रही हूं, और उसका भाग तो बस स्वार्थीपन ही था। प्रभु ने मुझे इस बड़ी सेवकाई के लिए बुलाया है और मैं उस पर ध्यान दिए हुए थी, और मेरे पास समय नहीं था कि मैं किसी से मुश्किल मोलूं जो मुझे जहां जाना चाहिए वहां जाने में मदद नहीं कर रहा हो। शायद ही संसार में ठीक रीति से काम करे, परंतु परमेश्वर के राज्य में नहीं। क्योंकि जब आप लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते तब परमेश्वर उससे विचलित हो जाता है। वो हम सबसे प्रेम करता है, केवल उन लोगों से नहीं जो किसी बात पर अधिकारी है। मैं सोचती हूं कि यदि कोई बात परमेश्वर को तब शोकित करती है जब आत्मिक अगुवे अपने अधिकार में काम करने वालों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। परमेश्वर ने मुझे अगुवेपन के लिए अभिषिक्त किया है, परंतु मैं निश्चय ही किसी और से उत्तम नहीं हूं। कुछ विशेष लोग या यहां तक कि कुछ सेवक भी अपने लक्ष्य पर इतना ध्यान देते हैं कि वे जो चाहते उसे प्राप्त करने के लिए वे लोगों का उपयोग करते हैं। कुछ स्त्री या पुरुष सफलता प्राप्त करने में इतने व्यस्त होते कि अपने घर में अपने परिवार को भूल जाते जो ध्यान प्राप्त करने के लिए रो रहे हैं। यशायाह 58 में वो कहते हैं, अपनी मांस और लहू की आवश्यकताओं को ना भूलें। जब हम व्यस्त होते कि हम हमारी बुलाहट और हमारे सपने की ओर ही ध्यान देते हैं कि हमारा ये नया व्यापार करना पड़ता है, या चाहे वो कुछ भी हो, हमारा भविष्य, हमारे गीत गाने का भविष्य, हमारा ये, हमारा वो, हमारा कुछ और, हमें ये जानना है कि हम कैसे ध्यान दें कि शैतान हमारे पास आने वाली हर बात के कारण हमें दूर ना कर दे, परंतु हमें साथ में जैसे हमारे आसपास के लोग पुकारते हैं तब हमें उनकी आवश्यकताओं को सुनना है। क्योंकि हम इतने केंद्रित हो जाते हैं कि हम हमारा वैवाहिक जीवन या हमारा परिवार नाश कर सकते हैं। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को देख लें कि यीशु जानता था कि कब रुकना है और कब अनदेखा करना है। हम इस यात्रा में जा रहे हैं, उसके प्रति हमें सचेत होना है। कुछ व्यक्ति इतना अधिक ध्यान देते हैं, जब कोई कभी उनके बीच में बोलता है या लोग तेजी से नहीं चलते या गलती करते हैं तो वे क्रोधित हो जाते हैं। कई लोग कभी भी योजना के अनुसार काम नहीं कर सकते हैं, वे अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि शैतान ध्यान भटकाने में बहुत ही माहिर है। जब कभी आपने प्रार्थना करने की कोशिश की तब क्या आपका ध्यान भटकता है? परमेश्वर की उपस्थिति में 5 मिनट शांत बैठने की कोशिश करें और देखें क्या होता है। आपको खारिश होगी, आपको बाथरूम में जाना होगा। यदि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में शांत रहने की कोशिश कर रही हूं तो मुझे बाथरूम में 10 मिनट में 3 बार जाना पड़ सकता है। फिर फोन बजता है, कोई दरवाजा खटखटाता है। आप कहेंगे, हां ये मेरे साथ भी हमेशा होता है। सबसे पहले यदि आपका ध्यान आसानी से भटकता है तो आप अपना वो फोन बंद कर दें। हम सेलफोन के बिना किस रीति से जी सकेंगे? याद करें वो दिन जब लोग हमें ढूंढ नहीं पाते थे, क्या वो अच्छा नहीं था? अब यदि हम 10 मिनट के लिए भी बाहर जा रहे हैं और सेलफोन भूल जाते हैं, ओह वापस जाकर सेलफोन लेना है, शायद कोई फोन करे, मैं इतनी महत्वपूर्ण हूं कि यदि कोई मुझे 24 घंटे नहीं ढूंढ सके तो संसार नाश हो जाएगा। सेलफोन ने हमें बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। शैतान को हमारा ध्यान भटकाना पसंद है। इब्रानियों 12:1-2 कहता है, अपना ध्यान भटकने या कहीं फंसने ना दें। अपनी समस्याओं की ओर देखकर क्या करना चाहिए इसका अनुमान न लगाएं। अपना ध्यान यीशु पर लगाए रखें जो आपके विश्वास का कर्ता और सिद्ध करता है। आज इस प्रकार की बीमारी है जिसे लोग अटेंशन डेफिशिट डिसऑर्डर कहते हैं। मेरे 2 बच्चे जिन्हें अपने जीवन में से जाते हुए कुछ अलग समस्याएं रही हैं और
मेरी बेटी के कुछ बच्चे जिन्हें अपनी कुछ समस्याएं हैं वो दूसरों से कुछ अधिक ज्यादा ही हैं। यदि ये आपकी समस्या है या कोई टीवी पर देख रहा है, मेरा प्रोत्साहन है कि आप हिम्मत ना हारे और ये ना सोचे कि आप ध्यान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपको ADD है इसलिए आप ध्यान नहीं लगा सकते हैं। हमें चंगाई के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखना है और जितनी मदद आपको चाहिए आप उसे ले लें। उनकी पोषक मदद उपलब्ध है, मेडिकल सहायता उपलब्ध है, परंतु शैतान ये देखना पसंद करता है कि आप अपने जीवन में ध्यान न दें और विश्वास करें कि आप ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि यदि आप ध्यान न दें तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते और आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि दिन के अंत में आप देखेंगे कि आपने 50 काम शुरू किए हैं परंतु खत्म ना कर सके, ऐसे काम पूरी जगह फैले हैं। इससे हमें अधिक और कुछ परेशान नहीं करता जितना हम सोने के समय परेशान होते हैं और हम थक जाते हैं पूरी तरह, और हम एक भी काम नहीं बता सकते हैं जो हमने पूर्ण किया। आपको ध्यान केंद्रित करना है। मुझे याद है मेरी सेवकाई के प्रारंभिक दिनों में जब मैंने इन ध्यान देने के विषय में पहले सीखना शुरू किया, मैं याद कर सकती हूं कि सुबह उठकर मेरी शिक्षाओं की या मेरे संगीत की टेप सुनती थी, मैं बिस्तर ठीक करने से शुरू करती और फिर जब वो आधा हो जाता तो फ़ोन बजता था, इसलिए मैं बाहर जाकर फ़ोन उठाती और फिर फ़ोन के साथ ही फंसी रहती और जाकर बहुत से बर्तन धोती थी। फिर मुझे याद आता कि मुझे भोजन के लिए फ्रीज़र से कुछ मटन निकाला, इसलिए मैं डिशवाशर खुला छोड़ देती और नीचे जाती कि कुछ मटन ले आऊं, परंतु तो जब मैं वहां पर होती तो मैं लॉन्ड्री के कपड़े देती इसलिए मैं कपड़े धोना शुरू करती, मटन के विषय भूल जाती। फिर मुझे याद आता कि पोस्ट ऑफिस जाना है इसलिए मैं कार बाहर निकाले जाती, तब फ़ोन फिर से बजता है और मैं फ़ोन की ओर वापस जाती हूँ। ऐसा होता है ना, जब तक कि देव घर में आते मैं तो मानो बस हाँ। आज तुमने क्या किया वो मुझे नहीं मालूम, पर मैं थक चुकी हूं। इससे आप सहमत हैं? हमें इस योग्यता पर अधिकारी होना है कि हम इस पर ध्यान दें और इसे पूरा होने तक करें। कुछ लोगों के लिए एक सूची उनकी मदद करती है, परंतु आपके जीवन में ध्यान बनाए रखने के लिए जो कुछ करना पड़ता है आप उसे करें। आपका ध्यान भटकाने के लिए शैतान हर संभव कोशिश करेगा। देखिए मरकुस 4। परमेश्वर नियंत्रण में है। कई बार मैं सोचती हूं कि हम डर जाते हैं कि यदि हम हर समय सब कुछ नहीं करते, एक विचार तुरंत हमारे मन में आता है कि हम उसे भूल जाएंगे, परंतु बाइबल कहती है कि जब हमें उन बातों को याद करना है उस वक्त परमेश्वर हमें वो याद दिलाएगा। इसके लिए हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। कम से कम जब आप कोई काम कर रहे हैं तो एक पेपर पैड अपने साथ रखें और उसे टेबल पर रखें, और जब आप कुछ और करने के विषय सोचें तो बस उसे लिख लें और जो आप अभी काम करें उसे कर दूसरे के लिए ना भागें, क्योंकि अंत में आप निराश और हताश हो जाएंगे। और आज हम इस पर विजय अवश्य प्राप्त करेंगे, आमीन। ध्यान भटकना और रुकावट, मरकुस 4:17। ये बताता है कि कैसे बोने वाला बीज बोता है। वचन 14 में लिखा है, बोने वाला वचन बोता है। जो मार्ग के किनारे के जहां वचन बोया जाता है ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। मेरा विश्वास है कि वो ये ध्यान भटकाने के द्वारा करता है। और जैसे जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं ये वे हैं कि जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं, वे दुखी परेशान द्वेष करने वाले हो जाते हैं और वे ठोकर खाकर गिर जाते हैं। इसलिए कई बार जब आपके हृदय में वचन बोया जाता है, शैतान नहीं चाहता कि आप वचन पर ध्यान रखकर जीवन जिए। बाइबल आपने जो सत्य सुना है, आप जिस मात्रा में विचार देते उतनी मात्रा में चरित्र और ज्ञान आपके पास वापस आएगा। इसलिए आप यहां बैठकर मुझे सुन रहे हैं ये अच्छा है, परंतु आपको सच बताओ, यदि आप जो वचन मैंने प्रचार किया उसमें से यदि सच में आप पोषण प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसे कुछ समय तक चबाते रहना होगा। इसे करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप किसी के साथ भोजन करने जाएं और उनसे संदेश के विषय बातें करें और सच में इसके विषय बातें करें और विचार करें और प्रार्थना करें कि ठीक है शैतान मेरी शांति चुराने के लिए किन किन बातों का उपयोग करता है, क्योंकि हम सबके जीवन में निश्चय ही शांति चुराने वाला है। यदि मुझे जल्दी करनी होगी तो ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए कि
मैं किनारे पर रहना चाहती हूँ और फास्ट लाइन में रहना चाहती हूँ। मैंने सीख लिया कि कैसे अच्छे रहें और जल्दी करें, परंतु इससे मुझे अधिक मदद नहीं मिली और अंत में मैंने निर्णय लिया कि मुझे जल्दी करना छोड़ना होगा। क्या आप मेरे साथ हैं? क्योंकि वो मेरी शांति चुराने वाला है और मैंने ठान लिया है कि मैं शैतान को अपनी शांति चुराने नहीं दूंगी, परंतु मुझे मेरे साथ मुलाकात करनी होगी। आप में से कुछ लोगों को खुद को एक कोने में ले जाना होगा और खुद के साथ मुलाकात करनी होगी। मेरे पास आओ, मुझे बात करनी है। बस यहीं पर इसे रखकर खुद के विषय घमंडी न बन जाए, क्योंकि आप सभा में आए हैं। यदि आप नोट्स ले रहे हैं तो इस विषय का अध्ययन करें। हम इस सप्ताह के अंत में विषय में बातें कर रहे हैं। आपको बातें पहले से ही ठान लेनी चाहिए। कई बार मैं सोचती हूँ कि हम बहुत ही जल्दी एक विषय से दूसरे विषय पर आते हैं। हम रविवार सुबह एक बात सुनते हैं और रविवार रात कुछ और सुनते हैं, फिर हम हफ्ते भर जॉयस को देखते हैं, हम सप्ताह के बीच में सभा के लिए जाते हैं, हम चार पांच दूसरे विषयों पर सब टेप सुनते हैं। हाँ, हम खुद के विषय घमंड करते हैं क्योंकि हमने पूरी बाइबल में सब कुछ रेखांकित किया है और रंग भर दिया है। देखो मैं क्या जानती हूँ। नहीं, कुछ जानने का एक ही मार्ग वो है कि जो कुछ हमने सुना उसे हम करें। हमें केवल उसे सुनना नहीं, परंतु हमें उसे करना है। ये संदेश आपके जीवन में काम नहीं कर सकता था यदि आपने आपसे कुछ महीनों तक ये नहीं कहा होता। इस संदेश को सुनने से पहले मैं जितनी शांति में थी, उससे भी अधिक मैं अब अपने प्रतिदिन के जीवन में शांति में हूं। मैं आपका और अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहती। मैं आपके आभारी हूं कि आप आए, क्योंकि यदि अच्छी भीड़ आए तो उसे प्रचारक अच्छा महसूस करता है और मुझे उसके विषय अच्छा लगता है, परंतु मुझे उससे अधिक बाद में सुनना अच्छा लगता है कि हाँ, मुझे और अधिक शांति प्राप्त हुई, मुझे वो मिल गया। परमेश्वर नियंत्रण में है। मुझे जहाँ होना चाहिए था शायद मैं वहाँ नहीं हूँ, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, मैं जहाँ थी मैं वहाँ नहीं। जब आप वो कॉन्फ्रेंस करने आई थी, उसने मेरा जीवन बदल दिया। परंतु मैं आपको सच बता रही हूँ, यदि आप इसे अब अगले स्तर तक न ले जाएं तो वो नहीं होगा। आप यहां से जाएं और किसी के साथ भोजन करने जाएं और अपनी बदबूदार समस्या के विषय बात करें तो कुछ नहीं होगा। जब आई थी तब वो आपके पास थी, जब आप भोजन खत्म करेंगे तब भी वो आपके पास होगी। आपको वचन के विषय बात करना जरूरी है, परंतु हम बस समस्या के विषय बात करना पसंद करते हैं। बात करते सोचते उस व्यक्ति को परेशान करते, किसी और को ढूंढते, बात करते सोचते और फिर हम आश्चर्य करते कि हम हमेशा क्यों परेशान रहते हैं और ये शोक अंदर में क्यों रहता है। मैंने अपना आनंद खो दिया, मुझे नहीं मालूम कि मेरा आनंद कहाँ है, मेरे पास कोई शांति नहीं। काश मेरे पास कुछ शांति होती, काश काश। आपको अपेक्षा की हड्डी नहीं, रीढ़ की हड्डी चाहिए हमें। कई वर्षों तक मैं डेव की ओर देखकर कहती, काश मेरे पास आपके समान व्यक्तित्व होता, ऐसा व्यक्तित्व होता जहां मुझे कोई भी बात परेशान नहीं करती। काश मेरे पास ऐसा व्यक्तित्व होता जहां मैं हर परिस्थिति में शांत रह सकती थी। अपेक्षा करती हूं। एक दिन प्रभु ने मुझसे कहा, अपनी अपेक्षा की हड्डी से पीछा छुड़ाओ और थोड़ी रीढ़ की हड्डी लो, खड़े हो और सही काम कैसे करे वो सीख, आगे बढ़, विजय प्राप्त कर। खड़े रहकर जो दूसरों को मिला है उसकी आशा ना कर, उसे प्राप्त करने के लिए जो उन्होंने किया उसे कर। मैं आपसे कह रही हूं कि आपने अब तक देखी हो लोगों में से मैं सबसे अधिक परेशान और निराश व्यक्ति थी। मुझे शांति क्या होती है बड़ी मुश्किल से मालूम था, और जब मैंने अपने जीवन में पहली बार शांति प्राप्त करना शुरू किया और मैं आपको जो बता रही हूं वो सच है, मैं पूरी तरह से उकता गई थी। और ये बिल्कुल सच है, मतलब मैं बोर हो चुकी थी क्योंकि मुझे वैसा जीवन जीने की आदत थी। जब मैंने शांति प्राप्त करना शुरू किया तो मैं बस रात को बैठकर कहती, हेलो यहां कोई है? ओ ये बहुत ही अजीब है। मैं चिंतित नहीं हूं, परेशान नहीं, मैं क्रोधित नहीं हूं, कुछ जाने की कोशिश नहीं कर रही हूं। परमेश्वर पर भरोसा करना। हाँ, मैं अपने साथ क्या करूंगी। मैं आपसे सच कह रही हूं, आप इसके आदि हो सकते हैं। आप शायद आदि हो सकते हैं कि आप तेज लाइन में जीवन जिए और जल्दबाजी में जीवन हमेशा बिताएं। इसके साथ एक निश्चित मात्रा में एड्रेनलिन जाता है, ये मानो बस।
हमेशा वो मन में चलते रहता है, आप रात में बिस्तर पर लेटते हैं और आप सारी रात, मैं नहीं जानती मुझे नींद क्यों नहीं आती, मुझे नींद की समस्या क्यों है जानते हैं? मुझे नींद की समस्या है और अंत में मैंने ये जान लिया कि यो क्या था, मैं सोने के समय तक काम किया करती थी। मैं फोन पर बात करती थी या मेरे घर में रात सोने के समय तक काम किया करती थी और फिर मैं वहां लेटती थी या सो जाती और फिर जाग जाती। जानते हैं अब मैं क्या कर रही हूं? मेरे कुछ नियम है, कुछ नियम अच्छे हैं। मैं काम रात के 6 या 7 बजे के बाद बिल्कुल नहीं करती। जानते हैं मैं रात को क्या करती हूं? चेयर थेरेपी। मैं करती हूं, मेरे पास सफेद कुर्सी है। मैंने कहा मैं अपनी चेयर थेरेपी लेती हूं, आज रात कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे मेरी चेयर थेरेपी चाहिए। जो मुझे जानता है वो आपको बता सकेगा। मैंने ये पाया कि यदि ये मेरे पास नहीं है तो मैं उसे नहीं कर सकती हूं। मुझे वो मेरे जीवन में वो शांत समय अवश्य चाहिए, मुझ में सारी बात स्थिर हो इसके लिए मुझे वो समय चाहिए। मुझे अच्छी नींद लेनी है, यदि मैं अच्छी नींद ना लूं तो मैं आलस्य महसूस करती हूं और मैं इसे सह नहीं सकूंगी। आप जानते हैं कि मैंने क्या प्राप्त किया है? यदि मैं सही नींद ना लूं तो मैं थक जाती हूं। जानते हैं जिस क्षण आप थक जाते हैं तब क्या होता है? शैतान भीतर आ जाता है, क्योंकि जब आप थक जाते हैं ये तो शैतान के लिए बहुत आसान है, वो कुछ बातें उभार दे जो आपके और किसी और के बीच में हो। तुम नहीं सो सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारी अंधाधुंध, क्योंकि अब मैं अपना काम नहीं कर पा रही हूं तो बेहतर है कि संसार में सब लोग मुझे सारा दिन अकेला छोड़ दें, ये गलत भावना है। आप कभी उन दिनों का अनुभव करते कि बेहतर होगा अगर मुझे बस थोड़ी सी जगह मिल जाए? जानते ही कभी नहीं होता है ना? ओ नहीं, ये कभी नहीं होता। मुझे याद है कई वर्षों पहले मैं एक सुबह उठी और मैंने सोचा, हाँ प्रभु, मैं महसूस करी कि एक कोशिका उठ गई और एक बिस्तर पर पड़ी है। मैं महसूस करी थी कि मैं 150 की हूं, सब दर्द दे रहा है, मैं बस मानो मुझे बस कुछ कॉफी चाहिए और मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे परेशान करे। प्रभु कृपया, कृपया प्रभु आज किसी को मुझे परेशान न करने दे। फिर मैं नहाने के लिए जाती हूं और शावर के नीचे खड़ी होती हूं तो मेरा बाथ टॉवल लेती हूं और उसे टॉयलेट सीट पर रख देती हूं। शावर यहां रहता है। मैं पानी खोलती हूं, शावर में जाती हूं और डेव आते हैं, तुमने अपना तौलिया टॉयलेट सीट पर क्यों रखा? और मैं सच में मैंने सोचा प्रभु आज नहीं, कृपया परमेश्वर आज नहीं, क्योंकि आप देखिए डेव एक इंजीनियर है और उसे ऐसा होना चाहिए, मतलब एक व्यक्ति मुझे बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे बाथ टब से बाहर आए ताकि मैं ना गिरूं। और मैं बढ़ा चढ़ाकर आपसे नहीं कह रही हूं, और मैं उसे सह नहीं सकती थी क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझसे कहे कि क्या करना है। मुझे बाथ टब से बाहर आना आता है, धन्यवाद, मैं इसे सारा जीवन करते आई हूं। देखो तुम्हें अपना टॉवल वहां नहीं रखना चाहिए। मैंने कहा मैंने मेरा टॉवल वहां रखा है तो क्या गलत किया है? तो उन्होंने कहा यहां तुम नहा रही हो और टॉवल वहां है, और जब तुम नहाकर बाहर निकलोगी, उनके सिवाय ये कौन सोच सकता था, जब तुम नहाकर बाहर निकलोगी क्योंकि तुम टॉवल नहीं ले सकती हो तो पानी यहां यहां पर गिरेगा ताकि तुम टॉवल ले सको। मैंने कहा हां हम बाथरूम में हैं। मैंने बस सोचा प्रभु कृपया आज नहीं। निश्चय ही हमने टॉवल के विषय वाद विवाद किया है। हाँ जब मैंने आपसे कहा था तभी आपने टॉवल रैक पर रख दिया था तो मैंने इसे यहां रख दिया होता। वाह 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 वा। मैंने वो टॉवल लिया और मैंने उसे दरवाजे के सामने रख दिया। मैं नहाने चली गई। आपको सच बताओ जब आप जागते तब आपको कोई शांति नहीं मिलती है वगैरह वगैरह।
क्या आपने कभी ऐसा स्नान किया है? मैंने बस, मैं तो बस अकेले रहना चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती हूँ। मैं बस उठकर अपनी कॉफी पीना चाहती हूँ और अकेले रहना चाहती हूँ। नहीं, जब आपको ऐसा दिन आता है तो शैतान आपको ऐसे ही अकेले नहीं छोड़ेगा। परंतु ये सब कहाँ से शुरू हुआ? ये सब कल रात शुरू हुआ जब आप अधिक काम कर रहे थे और आपने आराम नहीं किया, और फिर जब आप लेटते हैं तो आपका मन काम करना बंद नहीं करता, इसलिए आपको नींद नहीं आती है। अब आप थकान के साथ उठते हैं और आप उसका दोष दूसरों पर लगाते हैं। ये हमारी गलती है, क्योंकि जब हमें करना था तब हमने उसे नहीं किया। मैंने अपने जीवन में खोज निकाला है कि यदि मैं शांतिपूर्ण रहूं तो मैं शांतिपूर्ण एक उद्देश्य के साथ रहूंगी। हमें सच में एक निर्णय लेना है कि हम खुद को परेशान ना करें और सच में विश्वास करें कि परमेश्वर नियंत्रण में है। यूहन्ना 14:27 में यीशु ने कहा, मैं शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ और तुम में रहता हूँ। जैसे संसार देता है वैसे मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और तुम भयभीत ना हो। अपने आप को भयभीत और परेशान ना होने दे, और अपने आप को डरने ना दे, और दहशत और कायरता और अस्थिरता में ना आने दे। यदि हम सच में इसकी ओर ध्यान दें, यह हमें एक जिम्मेदारी देता है और हमें ये बताता है कि हमें संयम का अभ्यास करना है, और हमें एक निर्णय लेना है कि मैं अपना जीवन निराश और परेशान और क्रोधित होकर नहीं बिताऊंगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ आप में वास करती है कि आपको एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के योग्य बनाए, परंतु आप एक उद्देश्य के साथ शांतिपूर्ण होंगे। जीवन में पहले से भी अधिक शांति पाने की शुरुआत करें। मैं वापस आकर आपको बताऊंगी कि आप कैसे प्रतिदिन के जीवन का सही आरंभ कर सकते हैं। अपने जीवन का प्रतिदिन सही रीति से शुरू करना तो परमेश्वर के साथ में ही करना है। उसके वचन में बने रहे, उसके साथ प्रार्थना में बने रहे। आपने शायद कई वर्षों तक सुना होगा, निश्चय ही आप प्रतिदिन वचन में जाएं और निश्चय ही आप प्रतिदिन प्रार्थना करें। हालांकि आप इसे करना जानते हैं, कई बार हम इसे अपने जीवन में प्राथमिकता नहीं बनाते हैं। मैं आपको थोड़ी जानकारी दूंगी। परमेश्वर को अपनी सारणी के अनुसार चलाने की कोशिश ना करो, उसके अनुसार काम करें। आप में से कई लोग अब जो युद्ध लड़ रहे हैं उसे मैंने कई वर्षों तक लड़ा है। अध्ययन और प्रार्थना के लिए समय निकालने की कोशिश करना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे यही करना है। परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा का भोजन है। जैसे हम स्वाभाविक भोजन के लिए समय निकालते हैं, वैसे ही हमें परमेश्वर का वचन खाने के लिए समय निकालना है, क्योंकि हम वो आत्मिक पोषण प्राप्त कर सकें, ताकि जब हमें ज़रूरत हो तब हम शक्तिशाली हों। परमेश्वर के साथ समय बिताने के द्वारा उसका आदर करें, और उसके साथ प्रार्थना में ले जाने के द्वारा उसका आदर करें। मुझे कोशिश करनी पड़ी कि उसमें बनी रहूं, और फिर अंत में एक दिन मैंने महसूस किया कि प्रभु ने मेरे हृदय से कहा कि मुझे अपनी समय सारणी में रखने की कोशिश मत कर, अपनी समय सारणी मेरे अनुसार कर दे। प्रतिदिन के जीवन में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप परमेश्वर को प्राथमिकता दें, और ये सच में आपके दिन की अच्छी शुरुआत करेगा। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण हैं। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सहभागियों का धन्यवाद देते हैं कि संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉयस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।